तो वैसे पता है कौन बनवा रहा है? यार मुझे अंदाजा है सही, लेकिन अब वो थोड़ा पता चल जाए ना, कंफर्म हो जाए ऐसे अंदाजे में, क्या तीर मार दूं कि वो बना रहा है, वो बना रहा है। पता है आपको एक चीज, पता है क्या बोल रहे हो? बताएं आप, बोलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम हो गया जी टू माई न्यू व्लॉग, और उम्मीद है आप सब खैर ऑफिस होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो भाई इस वक्त सुबह के 10:30 बज रहे हैं और जुम्मे का दिन है, और आज मैं काफ़ी लेट उठा हूँ। ऐसे जल्दी उठना चाहिए था बट मैं लेट उठाऊँ। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ ये अपना वलीमे का टेस्ट जो मैंने लिया है कल, तो ये मैं हैंड ओवर करने जा रहा हूँ टेलर को, ताकि वो जल्दी से रेडी करके मुझे हैंड ओवर कर दें। इसके अलावा और भी एक जो काम है जल्दी से वो करने, और जुम्मे की नमाज पढ़नी है तो रेडी भी होना है, और ब्लॉग भी स्टिल मैंने अभी तक ना एडिट किया अपलोड किया। तो चलिए जल्दी से चलते हैं गिजरी, और ये जल्दी से हैंड ओवर करते हैं कपड़े, और फिर काम शाम दूसरे मुकाते हैं। फ्राइडे है, मार्केट वगैरह बंद है क्योंकि जुम्मे की नमाज के बाद ही ओपन होगी। तो टेलर की दुकान मेरी किस्मत अच्छी आज ओपन है। अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक हो आपको। कैसे हैं, क्या हाल अहवाल है? बस सही है। अब जो है ना मुझे लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि रेडी हो चुके कपड़े मेरे में है चुके। ये दिख रहे हैं, यही है ना, यही है ना, ये जो ये सामने लटके हुए यार बड़ी प्यारी लग रही है। यही है अगल, कोई और है? नहीं, वो और प्रेस होने। एक और गिफ्ट लाया आपके लिए। ये तो क्या ले जाऊँ या इसके साथ ही ले जाऊँ? ये वो अगर लेना है तो शाम में ले जाना, ये लेना है तो साथ लेना, साथ ले जाऊँ। साथ कब ले लूँ? मंगल। चलो डने, ठीक है डने। गाइस बारात और मेहंदी के कपड़े रेडी थे, बट मैंने अभी पिक नहीं किए क्योंकि फ्रेश होने थे, तो मैंने कहा एक साथ पिक कर लूँगा ट्यूजडे तक। थोड़े जो है ना ट्यूजडे तक रेडी हो जाएंगे और एक साथ पिक कर लूँगा। और अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से, एक दो और काम भी करने हैं, तो मिलते हैं कुछ ही देर बाद। Few moments later. मैं अभी आया हूँ चाचू के घर, और यहाँ पर जो है ना सुबह सुबह ड्रामा देखे जा रहे हैं। और कौन देख रहे हैं? हमजा। कैसे हो हमजा? ठीक। ठीक हो तो फिर स्कूल क्यों नहीं गए? तबीयत खराब थी। तो फिर ठीक क्यों बोला? हाँ गेम कर रहे हो मेरे साथ, क्या हुआ तबीयत को? और सुबह बहुत तेज बुखार था। ओ अच्छा, आप कैसा है? आप सही है। ठीक है। अरे गले तो मिलो यार, तुम मैं आता हूँ सोते रहते हो, गले मिलो, उठो उठो। अरे भाई ये जो है ना मेरे चाचू के सबसे छोटे शहजादे हैं, इसका नाम हमजा मुशीर है, मेरे मुशीर चाचू के बेटे। तो अभी जो है ना, चलो आप प्रेस करो, सही है। तो अभी मैं यहाँ पर आया था, टेलर को कपड़े दिए, उसके बाद एक और जगह गया जहाँ मतलब रिश्तेदारों के घर गया, और वहाँ से जो ना सीधा मैं यहाँ आ रहा हूँ। और यहाँ पर अभी जो ना मैं करूँगा पेट पूजा, सुबह नाश्ता करूँगा। मैंने सोचा घर जाऊँगा, घर पे गैस नहीं होगी तो इट्स बेटर यहाँ से चाचू के घर से नाश्ता कर लेते हैं, और फिर घर जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, जुम्मे की नमाज़ पढ़ेंगे, व्लॉग अपलोड करेंगे, और फिर ऑफिस जाएंगे 2 बजे। इस गर्मा गर्म नाश्ता जो है ना बिल्कुल अभी रेडी हुआ है, और अभी जो है ना फर्स्ट टाइम जो है ना नाश्ते में, वैसे फर्स्ट टाइम, हाँ आई थिंक फर्स्ट टाइम ही नाश्ते में मैं जो ना दाल खाऊंगा। वैसे ऑमलेट कर दूँ तो आज पराठे के साथ मैं खाऊंगा दाल, और चाय तो एज यूजल होती है, आज पीसी होटल की नहीं तो कज़न के घर की चाय। ये तो अभी आए, ये कौन है, इनको तो पहचान नहीं होगी, मेरा पहला व्लॉग। सब ठीक है, YouTube फैमिली इज वेरी 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 गुड, वेरी 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 फाइन। यू टेल, हाउ आर यू? आई एम फाइन भाई। यू आर फाइन? या आज जॉब पे क्यों नहीं गए तुम? मैं हॉस्पिटल गया था बच्चे को लेकर। ओह अच्छा अच्छा, अभी आया। सब ठीक है, शुक्र। तो भाई हमजा इससे पहले बैठ गया था, हमजा इसका छोटा भाई है, ये बड़ा भाई लगता नहीं है कहीं से, लेकिन फिर भी बड़ा भाई मान ले, प्लीज मान ले। तुम्हारा भी बड़ा भाई? ओहो मेरा भी बड़ा भाई, चलो मेरा भी बड़ा भाई मान ले। मेरे का भी बड़ा भाई। तो भाई अभी जो है ना आज नाश्ता, सॉरी नाश्ता करें मेरे साथ। नहीं मैंने, अच्छा चले, ये चाय रेडी हो रही है, मैं चाय अपने। तो भाई ये वो इंसान है जो मेरे फर्स्ट व्लॉग में पंजाब में हमने साथ स्टार्ट किया, यहाँ से कराची से गए थे, कितनी बारिश होती थी याद है? इसको मैं बचा बचा के बदली किस तरह पहुँचा दिया था मेरे को। और जो इसका सफर गुजरा, कौन सी बस इसको मिली थी ना, बहुत खूबसूरत वो बस, इतनी खूबसूरत थी, वो अभी नहीं बताएंगे, नाश्ता कर लें क्योंकि फिर नाश्ता नहीं किया जाएगा हमसे, क्यों? तो नाश्ता कर लें फिर आपको बाद में बताते हैं। 1:10 हो चुके हैं, व्लॉग एडिटिंग एवरीथिंग कम्प्लीट, जस्ट अपलोड करें तो वो ऑफिस जाके करूंगा। तो यहाँ पर दूल्हे मियाँ भी निकले हैं अपने रूम से, और ये भी ऑफिस जा रहे हैं। नमाज वगैरह कहाँ पढ़ोगे? ऑफिस जाके आया नमाज, मैं सोचूंगा कल सवा एक और रास्ते से ही पढ़ के निकल जाए, क्योंकि ऑफिस से नहीं पहुँचाऊंगा, 15 मिनट लगे। अच्छा बाकी सुनाओ भाई, मैं अभी अपने वलीमे का ड्रेस जो है ना वो दे के आ रहा हूँ टेलर को,
और तुम्हारा वलीमे का ड्रेस मुझे मना कर दिया गया है। ये ऊपर से जो है ना हुक्म आया कि इसका वलीमे का ड्रेस आपने नहीं लेना, क्योंकि वो कौन ले रहा है वो भी मैं आपको पता नहीं होगा, बता देता हूँ। फिर तो आपने शुक्र मनाया होगा यार, चलो दो चार रुपए बच गए। आज जो है ना जुम्मे की नमाज के बाद दो एक्स्ट्रा नफिल पढ़ लूंगा मैं। शुक्र मनाया होगा आपने कि आज दो रुपए बच गए मेरे हैं। जुम्मे की नमाज पढ़ने जाऊंगा ना तो उसमें जो है ना दो नफिल एक्स्ट्रा शुक्राने के पढ़ लूंगा कि आपका वलीमे का ड्रेस। तो वैसे पता है कौन बनवा रहा है यार? मुझे अंदाजा है सही, लेकिन अब वो थोड़ा पता चल जाए ना, कन्फर्म हो जाएगा अंदाजे में, क्या तीर मार दूं कि वो बना रहा है वो बना रहा है। लेकिन ये कि खैर तुम शुक्र अदा करो, तुम्हारा बच गया, किसी और का लग गया, किसी और काम हो गया। तो भाई इसका काम हो गया, तुम्हारी बच गया, मेरा काम हो गया, किसी और का लग गया। चलो भाई एक ऑफर दे देता हूँ, वलीमा जब हो जाएगा पंजाब में कराची में अगर वापस आएंगे कुछ प्रोग्राम वगैरह करेंगे। हाँ हाँ यहाँ वो बिल्कुल लाजमी करेंगे, क्योंकि वाकई काफ़ी सारे हमारे तुम्हारे ऑफिस के कॉलिग्स हैं यहाँ पर, तो फिर वहाँ के लिए ना यहाँ पर जो नहीं जा पा रहे हैं तो यहाँ के लिए ना आपके लिए जो थ्री पीस कोट वगैरह पैंट कोट वगैरह जो कहते हैं जिसको वो बनवा देंगे, ठीक है? मैं खुद भी बनवाऊँगा, मैंने आज तक नहीं बनवाया, वो आपके लिए बनवा देंगे, ठीक है? वो वैसे एक बात बताना चाहूंगा कि वो मैंने ऑलरेडी उसके बारे में किया हुआ काम, ठीक है? पैसे वैसे पे कर दिए? पे कर दिए, दो साल से उठाया नहीं, बस ये मसला है, अभी अल्लाह करे मिल जाए, वो दो साल में पड़ा हुआ वहां पर। अच्छा चलो भाई वो भी काम आसान हो गया। देखो यार आपकी किस्मत में जो है ना, किस्मत आपकी अच्छी है, लकी जा रहे बहुत। अच्छा तो फिर चले बता देते हैं वलीमे का जो है ना इनका ड्रेस जो है ना अरेंज हमें मना किया है जो है दुल्हन वालों की तरफ से, कि इनका वलीमे का जो ड्रेस होगा जो सिलेक्शन होगी वो खुद करेंगे अकॉर्डिंग टू जो दुल्हन का ड्रेस था होगा। उससे मिलता जुलता कॉन्ट्रास्ट वगैरह जो है मैच करके इनके लिए बनवा रहे हैं। तो मैं जो है इन साहब के लिए वलीमे का ड्रेस नहीं बनवा रहा, तो ये चीज़ क्लियर करा था। फिर बाद में अगर कल को कुछ और मतलब वो लोग दिखा दें और फिर ऐसा हो कि वकार जो है बनवा रहा था लेकिन वो जो है मतलब इस तरह से मिस मैच हो जाएगा ना। लेकिन ये है कि काफ़ी सारी मैंने कमेंट्स देखे थे उसमें कस्टमर वो कह रहे थे कि वलीमे का जो है ना सूट वो दुल्हन के कपड़ों से मैच होना चाहिए। चलो ये अच्छा हो गया एक मैच होगी बात के उनकी बात के मुताबिक, ये मैसेज कन्वे कर देंगे हम दुल्हन वालों को कि अगर वो बनवा रहे हैं ना तो ये ऑडियंस ने बहुत अच्छा मतलब सजेशन दिए कि दुल्हन से मैच होना चाहिए, तो ये अच्छा भी लगेगा एक जो है ना लुक वाइज जो है ना कि हस्बैंड वाइफ खड़े होंगे तो उनके मैच कपड़े होंगे तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। और ये है भी ऐसा ही कि काफी लोग हाँ ये दिमाग में हमारे क्लिक नहीं हुआ था, वैसे एक्चुअल में हमारे ये अच्छा आइडिया दिया था जो कि हमारी ऑडियंस ने दिया था जो कि आपकी कमेंट्स में मैंने चेक किया। उनको थैंक यू बोलो ना। तो थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप आकर लोगों को लंबी उम्र दे और काफी सारी आपकी वेल विशेस मैंने देखी और दुआएं की हमारे लिए कि आने वाले वक्त में हमें अल्लाह पाक जो है आसानियां फरमाए। आमीन। बस हमारी दुआएं आपके साथ है कि अल्लाह पाक आपको भी खुशियां दे, आपकी भी कामयाबी अता फरमाए और आपको भी अल्लाह पाक दुनिया में हर चीज नवाजे। चलो भाई आप चलें जाएं नमाज पढ़ें, दुआओं में याद रखिएगा हमें, हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे, ऑडियंस को भी मेरी याद रखिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह बाद में, शाम में आके जो है ना शॉपिंग वगैरह आप जो आपने मैं आपको चेक कर दूंगा। चलो ठीक है डन, ओके लाफ। फ्यू मोमेंट्स लेटर जी अभी जो है ना मैं जुमे की नमाज अदा करने जा रहा हूँ। ऑफिस गए हैं पहुंच, क्या हाल है भाई? फ्रॉम अनदर ताई, जुमा मुबारक को जुमा पढ़ा आपने? चलो भाई अच्छी बात है, इसको बुला लेते हैं, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा जल्दी आएगी क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है और ये ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे आ रही है, अब ये छठे से नीचे आ रही है और ये पहुँच गई, ऑलमोस्ट पहुँच गई। Few moments later. तो जुम्मे का दिन हो और बिरयानी ना हो ऐसा तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, तो हमने जो है बिरयानी आज पठान भाई के ऑर्डर के बाहर ही मंगवा ली है और ये साहब हमारी लिस्टिंग भी ला रहे हैं। तो वैसे बिरयानी की शॉप ज़्यादा दूर नहीं हो, सामने बिरयानी की शॉप है वहाँ से जो है ना हमने मंगवाई है यहाँ पे। शुक्रिया लाला। गाइस खाना शाना खा लिया है तो प्लीज़ आप लोग ये इग्नोर करना, इग्नोर के बच्चे जंगली जानवरों की तरह खाते हैं, तो ये देखिए क्या किया तुमने यार। भूख से जो है ना इस वक्त जो है ना हालत टाइट हो रही थी कि 5 बजे जो है ना मैं लंच कर रहा हूँ, तो इसलिए जो ना मैंने इस तरह से खाया, फिर आपको दिखा भी दे रहा हूँ यार मैं कितना वो मतलब सच्चा इंसान हूँ। ओके और इसके अलावा एक और भाई गुड न्यूज़ मैं आपको सुनाऊँ भाई, पंजाब की मिल गई है लड़की भाई, मुबारक हो बहुत, मुझे नहीं इसे मिली है, बहुत बहुत मुबारक हो भाई आपको यार। जब शादी होगी ना तब कहाँ करूँगा, अभी शादी अभी अभी मतलब मंगी तो हो रही ना जून जुलाई में, आपने अभी कहा है लेकिन कोई सच बात थोड़ी है। क्या हो गया तुम्हारे ब्लॉग की नोटिफिकेशन आई है मेरे पास? ओ अभी आ रही है,
अभी खोला मैंने। अच्छा अभी नेट ओपन किया है। तो भाई कब मंगनी कर रहे हो यार? जून जुलाई, जून जुलाई में। तो भाई इनसे तो आप वाकिफ होंगे, ऑस्ट्रेलियन का है, इनको जो है ना माशाल्लाह से मुबारक भाई, बहुत बहुत आपको एक बार फिर से मैंने ऑफ कैमरा भी इससे मुबारकबाद दी है और इसी के पैसे से बिरयानी खाइए। तो गाइस आज सैलरी भी आ रही है तो हमने सोचा कि इसकी मंगनी भी होगी तो इसी बात पे जो है ना बिरयानी शिरयानी खा लेते हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 15,000 सब्सक्राइबर जो है ना कल तक तो हो जाएंगे इंशाल्लाह। अभी जो है ना हमने खाना डाइजेस्ट करने के लिए सोचा है स्टेयर्स का यूज़ करते हैं। Few inches later. भाई कहाँ पे टांग गई है, कहाँ पे टांग गई है भाई? इस वक्त छुट्टी हो चुकी है और मैंने ऑफिस में डिनर मंगवाया है तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। तो अभी जो है ना व्लॉग की शुरुआत जो है ना आते हुए भी इंसाफ से हुई थी और जाते हुए भी ना इंसाफ से हो रही है। ये भी जा रहे, मैं भी जा रहा हूँ। क्या टाइमिंग से यार तुम, मतलब सुबह आए थे मेरे ख्याल से, जब मैं आ रहा था उस वक्त तुम नमाज पढ़ के आ रहे थे, लंच ब्रेक थी तुम्हारी, तो ऑफिस किस टाइम आए थे? सही है, 12 बजे आए थे और अभी 10 क्या टाइम हो रहा है अभी? 10:30। और कब जाते हो भाई? भाई वैसे कब आए थे, मतलब हमेशा देखता हूँ तुम लेट ही जाते हो। यार लेट इसलिए निकलता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो ना क्लासेस वगैरह लेनी होती है मुझे। अच्छा हार्ड वर्किंग बॉय, अल्लाह ऑफिस में ही बैठ के ले लेते हो ऑनलाइन। चलो यार मैंने भी क्लासेस ले, मैंने भी एमबीए करना है ना, तो इंशाल्लाह ऑफिस में बैठ के मैं भी आपकी तरह ना एक दिन आएगा आपकी तरह ऑफिस में ही सारा दिन बैठा रहूँगा। तो चलो यार बेस्ट ऑफ लक है, अल्लाह आपको कामयाब करे, बहुत आप मेहनत कर रहे हैं। तो जी अभी हम जो है ना डिनर ऑर्डर करने लगे हैं क्योंकि मैं आया था कोई 3 बजे तो मुझे 11 बजे ऑफ करना है, लेकिन उस दौरान मैंने सोचा यहाँ पर डिनर कर लेते हैं। तो माजिद भाई जी सर, कैसे हैं आप सर? अल्लाह पाक आप सुनाए, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सुना दें यार। यार मेरी इतनी आवाज़ अच्छी नहीं है, फिर भी सुना दें कुछ आप। आता भी नहीं यार गाना, आप सुना दें यार। मैं आज ना गाना सुनाता हूँ, मुझे आप बताए कौन सा गाना सुनाऊँ? जो आपका दिल करे, सराय की हो कोई भी हो। चलो भाई मेरी आवाज़ अच्छी है लेकिन थोड़ा बेयर कर लेना, पेनाडोल उठा लो। हाँ कोई मसला नहीं, चलो भाई गाना सुना, चलो भाई गाना सुना दे। आवाज़ अच्छी नहीं हो ही बोल रहा हूँ, आवाज़ अच्छी होनी चाहिए। कोई सी भी हो बात, गाना होगा आवाज़ अच्छी नहीं होगी। गाना कौन सा? हाँ बोला अच्छा, हाँ गाना कौन सा? हाँ बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, तू जहाँ जाए आगे महफूज हो। आगे मुझे नहीं आता। तो गाइस मांगे बस ये दुआ। वैसे ऑनेस्टली सिंग आपकी आवाज़ मुझसे अच्छी है माशाल्लाह, मेरी आवाज़ बिल्कुल वो जो है ना वो क्या कहते हैं वो जो फटा हुआ स्पीकर नहीं होता वैसे ही है। तो मेरी तो आपकी आवाज़ ऐसे अच्छी है, फार बेटर देन मी। तो गाइस ये कौन कह रहे घर चले जाओ? तो भाई हमें बोल रहे हैं लोग घर चले जाओ, इन्हें नहीं पता हम लेट है तो इसलिए बैठे हुए, टाइम पूरा करें देन चेकआउट करूँगा। चल झूठा। तो चले गाइस अभी डिनर के लिए वेट करते हैं और अभी डिनर आते हैं तो हम थोड़ा बहुत डिनर करेंगे। तो गाइस डिनर शिनर कर लिया है और जो है ना अभी माजिद भाई की जो है पिक्चर्स ले रहा था, तो अभी 11:23 हो रहे हैं, हम चेकआउट करने लगे। चलो अबरार भाई मिलते हैं इंशाल्लाह। आए हैं अबरार भाई तो फुल चमक है ना, वैसे ये फ्रेम सच है माशाल्लाह। ये यहाँ मुझे जो है ना लास्ट टाइम जो आपने मिले ना वो रेबन के थे आई थिंक, वो हाँ वो भी अच्छे थे, लेकिन जब आपने फर्स्ट टाइम ये पहने ना तो मैंने बोला यार वो अच्छे थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा अच्छे हैं। चलो यार गुड लक। घर पहुंच चुका हूं और इस वक्त जो है ना सबसे पहले जो है ना मुझे आज ये काम ज़रूरी करना है, मुझे जो है ना अपने सर पे जो कैप है ना इसको रिमूव करना है। वो किस तरह करना है अभी मैं जा रहा हूं, सबसे पहले जो है ना अपने बालों की सर्विस कराऊंगा और थोड़ा बहुत अपना हुलिया भी सही कराऊंगा क्योंकि काफ़ी दिनों से ना सर्विस नहीं हुई, तो ये काम जो है ना बहुत ज़रूरी है। कपड़े वपड़े तो मैंने टेलर को बिल्कुल दे दिए हैं, वो भी रेडी हो जाएंगे, तो अभी बस अपना हुलिया सही करते हैं और कल जो है ना एक जगह जाना है, कल एक इवेंट है और शादी का इवेंट है और बहुत मज़ेदार इवेंट है, तो कल जो है ना परसों के व्लॉग में ना बहुत मज़ेदार इवेंट होगा और बहुत ही मतलब एंटरटेनिंग होगा, तो मतलब अभी बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप ताकि
आगा कर दो, वरना आप बोलेंगे आपने बताया था कि ये इवेंट है, तो ये इवेंट जो है ना कल का इवेंट बहुत मजेदार होने वाला है। तो अभी जो है ना अम्मी भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर हो गई हैं और उनकी तबीयत काफी मतलब अच्छी हो गई है, और अभी अम्मी भी सामने बैठी हैं, तो अम्मी से मुलाकात करते हैं और फिर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अभी बेहतर हूं। कुछ बेहतर हैं? शादी की तैयारी कैसी है आपकी? चल रही है। कैसे चल रही है? बस बैग वैग रेडी कर दिया अभी। कर दिया? हाँ। कब किया? अभी वो जो आई थी पड़ोसन उससे नहीं करवाया। अच्छा, पता है आपको एक चीज पता है? क्या बोलो? बताएं। आप बोलो। गैस करें? मुझे नहीं पता। गैस फिर भी करें ना, करे करे करे, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत, क्या हो सकता है? पता नहीं। केक काटना है? बताएं क्यों काटेंगे केक? वो तुम्हारे जो 15 हुए हैं। हाँ 15 के हो गए भाई, 15 के हो गए। तो बताएं आप मेरी YouTube फैमिली के लिए कोई मैसेज दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया उनका, बहुत मेहरबानी, मेरे बेटे की सपोर्ट करें। बहुत मेहनती है मेरा बेटा। अच्छा? बहुत ही मेहनती है, रात को भी मेहनत करता है, दिन को भी मेहनत करता है, और आप लोग भी उसकी सपोर्ट करें, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा किन किन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगी? इनके अलावा सिर्फ पहले, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी, अल्लाह ने मुझे इतना लाइक बेटा दिया है। अच्छा, उसके बाद फिर लोगों का, जैसे सितारा बाजी हो गई, साजिद हो गया। अच्छा, सब हो गए भी, हमारी शादी में भी बड़ी हेल्प कर रहे हैं, सितारा, साजिद, बिल्लू आंटी। बिल्लू आंटी मतलब वो सितारा बाजी की अम्मी? हाँ सही। और उनका जो अंकल है चाचू। हाँ ठीक ठीक। तो भाई शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आप रेस्ट करें। तो आज जो है ना ढोल वोल बजाया? नहीं बजाया, थोड़ा सा बजाया था, थोड़ी सी तबीयत सही हुई थी, थोड़ा सा बजाया, मतलब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस दोबारा से स्टार्ट कर दिए। चलो अच्छा है, दिन करीब आने वाले, प्रैक्टिस जो है ना चलनी चाहिए। बस ये दुआ करो कि मैं पहुंच जाऊं गाँव तक। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वीकनेस बहुत हो जाती है। वीकनेस बहुत होगी? हाँ। तो वो आप कुछ मतलब जूस वगैरह पिया करें, वो मुझे बोला मैं कल आपके लिए। अच्छा भी नहीं लगता बेटा। तो वो आप, अच्छा नहीं लगता, बीमार कोई भी बंदा होता है ना उसको खाना पीना अच्छा नहीं लगता, वो जबरदस्ती खाना पड़ता है। तो कल जो है ना वो उसका कोकोनट जूस पीने का बोला है। अच्छा हाँ, उसमें ताकत होती है। चलो कल मैं ले आऊंगा, कल मैं फर्स्ट टाइम, शायद मैं फर्स्ट टाइम नहीं, मैंने वैसे बहुत कम ही पिया है जिंदगी में, तो मैं भी पीऊंगा, आप भी पी लेना। सही है? ठीक है। तो अभी मैं चाहता हूँ थोड़े बाल वाल सेट कराऊं, क्योंकि हाँ, कुछ भी नहीं करवाया। टाइम से सो जाना, सुबह मैंने जल्दी जगाना, उधर 17 बजे के घर भी जाना होगा। अच्छा सुबह। चलो केक फिर ले जाना, कल ले आना केक, ले आऊं के साथ काटने के। चलो ठीक है, केक काटेंगे और साथ में मुझे कुछ और काम एक दो वो करेंगे, परसों सुबह तो निकलेंगे इंशाल्लाह। चलो ठीक है ठीक है, चलो मैं जाता हूँ। ठीक है, ओके ओके, हाफिज। तो गाइस, अम्मी ने तो सबका, आप सबका जो भी मेरे जर्नी में शुरू से हैं और अभी जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया, सबका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का। तो इसके अलावा अम्मी ने जिन लोगों को मेंशन किया उनके अलावा भी बहुत लोग हैं, मतलब सितारा बाजी, साजिद भाई, इसके अलावा और भी बहुत लोग हैं इनके अलावा, जिन्होंने मुझे बड़ा मतलब बच्चे और इवन के मतलब सुपर स्टार्स जो है ना मेरे चैनल के, वो बच्चे थे स्टार्टिंग में। तो उन सबका तहे दिल से शुक्रिया, और गांव जा रहे हैं ना, गांव जाके इंशाल्लाह जो है ना उन सबका, उनके सबके साथ दोबारा से जो है ना मेरी जो है ना दोबारा से बॉन्डिंग होगी और दोबारा से उनके साथ एंजॉय करूंगा। तो बच्चों को इस साथ तो वैसे ही मेरी बॉन्डिंग अच्छी होती माशाल्लाह। तो अभी क्या कहते हैं, थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट, और उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह से सपोर्ट करेंगे। तो बाकी ये है कि मेरा ये है कि हमेशा जो है ना पॉजिटिव चलता हूँ और पॉजिटिव रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि पॉजिटिव कंटेंट्स जो है ना वो बनाऊँ। तो अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ बाल वाल कटा लूँ, और फिर जो है ना इसके बाद सुबह जल्दी उठना है, अम्मी ने मुझे उठाना है जल्दी और लेके जाना सितारा बाजी घर। आज लेके जाना था पर अम्मी की तबीयत ख़राब थी और मैं ऑफिस से भी लेट आया था, 11:30 बजे मैं ऑफिस से पहुँचा हूँ, तो अभी इस टाइम जाना बेहतर नहीं था। तो हमने सोचा कल अम्मी को ले जाऊँगा, फिर मुझे कल ऑफिस भी जाना है अम्मी को ड्रॉप करके, और एक रात को एक और सीन भी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए वहाँ भी जाना है। तो चले अभी सबसे पहले चलते हैं सर्विस करवाने और फिर मुलाकात करते हैं आपसे कुछ ही देर बाद। नीचे उतरा हूँ मैं अपनी हेयर कट करवाने, तो पूरी गली में जो है सन्नाटा छाया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं, और इम्तियाज़ भाई की जो है शॉप बिल्कुल घर, ये मेरी बिल्डिंग है और ये इम्तियाज़ भाई की शॉप है, तो ये भी बंद हो चुकी है। तो हमें जो है ना, ये देखें पूरी गली में सन्नाटा है, हर दुकान बंद है, एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड नाउ।
तो अभी जो है ना हमें वापस जाना पड़ेगा घर। सोचा था कि आज हेयर कट करवा लेंगे और बट अनफॉर्चुनेटली दुकानें सब बंद हो चुकी हैं। वैसे नॉर्मली जो है ना एक आध केस जो है ना हमारी रोम में ना हमारी स्ट्रीट में दो जो है ना नाई की दुकानें सही है, तो दोनों जो है ना आज क्लोज है। वरना एक शॉप जो है ना जो आगे की तरफ इम्तियाज होता है कि वो 2 बजे तक ओपन होती है और दूसरी जो है ना वो 3 बजे तक ओपन होती है, लेकिन आज जो है ना दोनों क्लोज हो चुकी हैं। बट खैर अब जो है ना मुझे कल जो है ना लाजमी अपने हेयर कट करवाने होंगे क्योंकि एक इवेंट में जाना है, शादी का इवेंट है तो वो ज़रूर अटेंड करना है, तो उसके लिए जो है ना हेयर कटिंग करवानी है और थोड़ी बहुत जो है ना अपनी लुक सही करनी है क्योंकि कैब पहन को तो नहीं जा सकता उस इवेंट में, बहुत ही अजीब लगूंगा। तो चलें अभी जो है ना आज का व्लॉग यहीं करते हैं और उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा अगर कोई सजेशन या फीडबैक हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।